शुरू करेंगे लेक्चर। फादर पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हम में से हर एक को आज आप प्रकाशन दीजिए, वचन की गहराइयों में आप हमें लेकर चलिए। प्रभु, सिर्फ पवित्र आत्मा आप ही हमें गहरा लेकर जा सकते हैं। ओनली यू कैन टेक अस डीपर। और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें वचन में गहरा लेकर चलिए, ताकि वचन में हमारा जड़ मजबूत हो। इन अंतिम दिनों में वचन में हमें आप मजबूत करिए, वचन से भरिए, वचन के अनुसार जीना सिखाइए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। तो आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे बाइबल स्टडी में। और हम कुछ सीरीज को देख रहे थे और उसको हम जारी रखेंगे। हम सीख रहे थे आर्मर ऑफ गॉड के बारे में, परमेश्वर के हथियार। एक नया सीरीज हमने दिसंबर में चालू किया कि परमेश्वर के हथियार पार्ट टू। आज हम दूसरा पार्ट सीखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि यूट्यूब में आप जाकर के आर्मर ऑफ गॉड के बारे में जरूर सीखिए, क्योंकि ज्ञान वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मेरे लोग ज्ञान न होने के कारण नाश होते हैं। मेरी प्रजा मेरा ज्ञान न होने की वजह से नाश होते हैं। प्रभु ने कहा कि वो नाश इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, या अकाल बहुत भयंकर है, या बेरोजगारी है। प्रभु ने कहा मेरे लोग नाश इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। प्रेज गॉड। तो नॉलेज इज पावर। परमेश्वर के कोई भी फील्ड में हो आप, परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। प्रेज गॉड। ओके, और इसीलिए हम बाइबल स्टडी को सिखा रहे हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट के ऊपर तीसरा ईंट, स्टेप बाय स्टेप आप वचन में मजबूत हो। हम जो मुंबई में रहते हैं या फिर आजकल की दुनिया में, सब चीजें तुरंत, सबको तुरंत चाहिए, सब तुरंत, ऐसा परमेश्वर का राज ऐसा तुरंत तुरंत में नहीं चलता। प्रेज गॉड। और तुरंत में कई बार कमिटमेंट भी पता नहीं चलता कि व्यक्ति का कमिटमेंट सीरियस है कि नहीं है। समय लगता है, समय लगेगा। अगर हम सिद्धांतों को लागू करेंगे, ज्ञान में बढ़ेंगे, उसमें फायदा हमारा ही है। प्रेज गॉड। इसीलिए कमिटेड हो जाइए कि आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान और प्रकाशन में और एक होने में आप मेहनत करेंगे, कि आपके लिए बहुत जरूरी है अंतिम दिनों में। ओके, परमेश्वर के हथियार पार्ट टू। ओके, उसमें लिखा है, आगे पढ़ते हैं कि एफिसियों 6 उसके 10 से देखेंगे। ओके, एफिसियों 6:10 उसमें लिखा है निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। वो हमें बता रहा है कि हमें कहां पर बलवंत होना है। हमें प्रभु में और प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। प्रेज गॉड। परमेश्वर के 7 हथियार हैं। इन आयतों में, इस संदर्भ में 7 हथियारों के बारे में, 6 नहीं है, 7 हैं। 7 हथियारों के विषय में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे, एक को भी छोड़ना नहीं। क्यों बांध लो? और ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें लिखा है कि सारे हथियार को बांध लो या ले लो, मतलब कोई भी आपके ऊपर ये हथियारों को रखेगा नहीं। आपको इन हथियारों को लेकर पहनना है, जैसे एक व्यक्ति अपने कपड़े को लेकर अपने शरीर में पहनता है, वैसे इन हथियारों को लेकर हमें अपने ऊपर बांधना है। कोई आपके लिए करेगा नहीं। परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं, उसे लेकर पहनना ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज गॉड। तो हथियार लड़ने के लिए नहीं है, हथियार खड़े रहने के लिए है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़ाई यीशु मसीह ने कर दिया और हमें उसके विजय में, उसकी प्रॉस्पेरिटी में, उसकी चंगाई में, उसके आनंद में, उसके चमत्कारों में खड़ा रहना है। प्रेज गॉड। इसीलिए हथियार को पहन लो।
बस नंबर 12, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब हम कोई भी इंसान आपका और मेरा दुश्मन नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मतलब हमारे दुश्मन लहू और मांस है ही नहीं, कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। कई बार हमें लगता है कि ये ब्रदर, ये सिस्टर, वो व्यक्ति, कोई इंसान हमारा दुश्मन है ही नहीं। प्रेज गॉड। इसीलिए क्योंकि अगर हम इस बात को जानते हैं तो हम हर इंसान का आदर, सम्मान और उसे प्रेम कर सकते हैं, अगर हम ये चीज को जानते हैं। प्रेज गॉड। ओके, उसमें लिखा है क्योंकि हमारा मलयुद्ध विजय को लेने के लिए नहीं, पर हमारा मलयुद्ध विजय को बरकरार रखने के लिए हम खड़े हैं। प्रेज गॉड। शैतान को हराने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया है। हथियारों को हम पहनते हैं ताकि उस विजय में हम खड़े रह सकें। ओके, वापस इसको पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बस नंबर 13, ठीक है, वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो हथियार खड़े रहने के लिए है, हथियार स्थिर रहने के लिए है। अभी हथियारों को हम देखेंगे। वर्स नंबर 14, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सत्य से हमें कमर को कसना है, जैसे बेल्ट हम मानते हैं कमर में, वैसे सत्य से हमें कमर कसना है। धार्मिकता का ब्रेस्टप्लेट या फिर धार्मिकता का झिलम पहनकर, दूसरा हथियार 15, और पाओ में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ये तीसरा हथियार 16, और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर, चौथा हथियार विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बस 17, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखिए, ये बार बार पौलुस हमें बोल रहा है, आपको बांधना है, आपको लेना है, कोई आपके ऊपर आके डालेगा नहीं, आपको लेना है, आपको ये चीज को अपने ऊपर बांधना है। और पिछले क्लास में हमने सीखा कि उद्धार का टोप, उसका मतलब क्या है, हेलमेट। प्रेज गॉड। उद्धार का टोप, हथियार, उसका मतलब क्या है वो हमने सीखा, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, पौलुस बोलता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि ले लो। प्रेज गॉड। वर्स 18, आखिरी हथियार है 7वां, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मतलब 7वां हथियार प्रार्थना है। प्रेज गॉड। तो हमने कुछ हथियारों को पढ़े, इस तस्वीर को देखिए जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। जब पौलुस इन विषय में, इन चीजों के विषय में लिख रहा है, वो एक रोमी सिपाहियों को देख रहा है और वो देख रहा है कि रोमी सिपाही के वस्त्र को देख रहा है, उसके हथियारों को देख रहा है, धार्मिकता के झिलम को देखता है। वो देख रहा है कि उसने एक झिलम पहना है, उसने एक टोप पहना है, उसके कमर में एक बेल्ट लगा हुआ है, ढाल है उसके पास, प्रार्थना का एक बहुत बड़ा भाला है, तलवार है, जूते हैं। तो उन चीजों को देखकर पवित्र आत्मा उसको एक प्रकाशन दे रहा है कि जैसे रोमी सिपाही के हथियार होते हैं,
वैसे ही हर एक विश्वासी के हथियार होते हैं, हर एक विश्वासी का हथियार होता है। प्रेज गॉड, जब तक आप धरती में हैं आपको ये हथियारों को जानना है। प्रेज गॉड, क्योंकि एक बार हम स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में आपको इन हथियारों की जरूरत नहीं है। जब तक आप धरती में हैं तब तक आपको इन हथियारों की जरूरत है। आपको समझना है कि ये क्या है, इसको कैसे लागू करते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शैतान जो हमारे हमसे बहुत कुछ छीनने का कोशिश करता है, अगर इन हथियारों को अगर हमने पहना नहीं है तो बहुत आसानी से वो हम में से जो विजय यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो आशीषें यीशु मसीह ने हमें दी है, वो सब चुरा कर लेकर चला जाएगा। इसलिए हमें खड़े रहना है इन हथियारों से, जैसे ये दो लोग खड़े हुए हैं, वैसे हमें अपने हथियारों को लेकर खड़े रहना है। कितने विश्वासी हैं आप सोचिए, उनको हथियार के बारे में कुछ नहीं पता, दे डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि किसी ने उन्हें पढ़ाया नहीं। प्रेज गॉड, कुछ लोग हैं वो हथियार के बारे में उन्होंने पढ़ा है लेकिन उसका मतलब क्या है वो नहीं जानते। प्रेज गॉड, लेकिन आज हम एक एक करके सीख रहे हैं एंड दिस विल ग्रेटली हेल्प यू। पिछली बार हमने सीखा उद्धार का टोप और तीन सवालों के जवाब मैंने आंसर किए थे कि आपको समझे कि उद्धार का टोप क्या है। प्रेज गॉड, और आज हम सीखने वाले हैं समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा एक हथियार के बारे में सीखेंगे, और वो है एफिसियों 6 उसके 16 में लिखा है, अबव ऑल टेकिंग द शील्ड ऑफ फेथ वेयरविथ You shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. और उन सब के साथ, हिंदी थोड़ा बराबर नहीं है, हिंदी जितने लोग हिंदी बाइबल को पढ़ते हैं, अगर आप गहरा जाना चाहते हैं तो आप हिंदी बाइबल तक सीमित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी में ऐसे कुछ शब्द हैं जो एक्चुअल ट्रांसलेशन में है ही नहीं। जैसे इसमें लिखा है उन सब के साथ, उन सब के साथ नहीं है उसका मतलब, उसे लिखा है कि उन सबके आगे। सबसे महत्वपूर्ण नहीं है विश्वास की ढाल, सत्य से कमर कसना, सारे हथियारों में सत्य से कमर कसना या बेल्ट ऑफ ट्रूथ सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है, लेकिन इसमें लिखा है अबव ऑल, मतलब सबके पहले विश्वास की ढाल को रखना। मतलब सब हथियार जरूरी है लेकिन इन सब हथियारों के पहले, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर आपको देखे सबसे पहले उसकी विश्वास का ढाल दिखना चाहिए, वो विश्वास का ढाल सबसे पहले होना चाहिए। प्रेज गॉड, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, प्रेज गॉड मतलब किधर रखकर नहीं, उसे लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम सब दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। अभी वो हमें बता रहा है कि क्यों विश्वास की ढाल को अपने आगे रखो, ताकि दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। वापस इस तस्वीर को देखिए, देखिए ये दोनों व्यक्ति, दोनों सिपाही जो हैं, वो दोनों के हाथ में वो ढाल है और वो ढाल उनके आगे है, और एक्चुअली ये जो पिक्चर में है ये ढाल बहुत छोटा है। एक्चुअल ढाल जब पौलुस इन सिपाहियों को देखकर, उस समय में वो ढाल एक दरवाजे के समान होता था, इतना बड़ा ढाल, मतलब वो ढाल अगर उसके सामने रख दिया जाए तो इंसान आपको दिखेगा नहीं, इतना बड़ा ढाल, एक दरवाजे के समान एक ढाल को लेकर एक रोमी सिपाही चलता है। ये तो छोटे छोटे ढाल है, लेकिन वो जो ढाल रोमी सिपाही लेकर के चलते वो एक दरवाजे के समान लंबे और चौड़े थे, और उसे वो अगर जब आपने अपने सामने रखते तो उसका पूरा शरीर उसके पीछे छुप जाता, इतना बड़ा था उसका ढाल। और वही चीज को देखकर पौलुस हमें बोलता है कि सब, और उन सबके साथ नहीं, और उन सबके आगे, जितने भी हथियार है उन सब सबसे आगे वाले हथियार विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या करो, बुझा सको। प्रेज गॉड, ओके, तो वो उसके बारे में कुछ थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ विचारों को शेयर करना चाहता हूँ। इसको ध्यान से सुनिए और जरूर मनन कीजिए, प्लीज मेडिटेट। ग्लोरी टू गॉड। नाउ पॉइंट नंबर 1, एज अ रोमन सोल्जर कीप्स हिज शील्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, अ बिलीवर मस्ट कीप हिज फेथ इन गॉड इन फ्रंट ऑफ हिम एट ऑल टाइम्स। जैसे एक रोमी सैनिक
अपनी ढाल को उसके सामने रखता, जहां पर भी वो जाता अपनी ढाल को आगे रखता, वैसे ही एक विश्वासी को अपना परमेश्वर पर जो विश्वास है हर समय उसके सामने रखना चाहिए, हर समय। प्रेज गॉड, आमेन। वापस इसको पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर वन, जैसे एक रोमी सैनिक अपनी ढाल उसके सामने रखता, वैसे ही एक विश्वासी को अपने परमेश्वर में विश्वास हर समय उसके सामने रखना चाहिए। आप जहां पर भी हैं, सिर्फ संडे कलीसिया में नहीं, आप काम पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, जहां पर भी आप जाते हैं, आपको ये ढाल को अपने सामने रखना है हमेशा। कोई बोलता है नहीं मैं सिर्फ संडे को लेके आता हूँ ढाल, क्योंकि आपको आपको क्या लगता है कि शैतान आपके ऑफिस में नहीं है, क्या शैतान ट्रेन में नहीं है, कि जिस रोड से आप चल के आते हैं घर में उस रोड में शैतान नहीं है? शैतान को इस संसार का परमेश्वर कहा गया है, दुष्टात्माओं से भरी हुई दुनिया है ये। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर भी हो, जहां पर भी जाते हो, कौन सा भी टाइम हो, विश्वास जैसे एक सिपाही अपने ढाल को लेकर जाता है जहां पर भी वो जाता है, वैसे ही हम परमेश्वर के राज के नागरिक सिपाही हैं, और हमारा विश्वास जो परमेश्वर पर है उसको एक ढाल के समान अपने सामने रख, सिर्फ अंदर नहीं अपने सामने रख कर चलते हैं जहां पर भी जाते हैं। पिकनिक में गए, इधर गए, काम पे गए, ऑफिस में गए, उधर गए, प्लेन में गए, ट्रेन में गए, मार्केट में गए, किसी से मिलने गए, किसी से मिलकर वापस आए, घर में गए, चर्च में गए, जहां पर भी आप जा रहे हैं, विश्वास आपका परमेश्वर यीशु मसीह पर जो विश्वास है वो हमेशा आपके आगे होना चाहिए। वो आपकी सुरक्षा है, इट इज योर प्रोटेक्शन। प्रेज गॉड, आमेन। आगे होना चाहिए, सिर्फ अंदर नहीं होना चाहिए। किसी ने बोला बहुत बहुत विश्वास, अंदर बहुत विश्वास, अंदर को थोड़ा बाहर निकालिए, सबके आगे रखिए, अपने जीवन के आगे रखिए। प्रेज गॉड, क्योंकि शैतान इस संसार का ईश्वर है। प्रेज गॉड, ओके। सो इस पॉइंट को भूलिएगा नहीं। पॉइंट नंबर टू, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज द एबिलिटी टू रिफ्यूज द फायरी एरोज ऑफ द विकेड वन एंड रेजिस्ट विद द वर्ड ऑफ गॉड। जब परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में यह दुष्ट के जलते हुए तीरों को नकारने और परमेश्वर के वचन के साथ विरोध करने की क्षमता है। इसको ध्यान से सुनिए, ये मेन पॉइंट है। क्या है उसका मतलब कि विश्वास की ढाल को आगे रखो? प्रेज गॉड, विश्वास की तो उसने कहा कि विश्वास की ढाल को ले लो, मतलब विश्वास की ढाल को आगे रखो। उसका मतलब क्या है? ये किसी दुकान में मिलने वाला नहीं है ढाल, क्योंकि ये आत्मिक चीजें हैं। एक विश्वासी को अगर आप देखें, आपको कभी नहीं लगेगा कि उसके हाथ में कोई ढाल है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में देखिए उसका विश्वास तैयार है। मतलब कोई भी जलते हुए तीरों को अगर शैतान भेजता है इस व्यक्ति के खिलाफ, इस विश्वासी के खिलाफ, वो उसको नकारता है और वो उसका सामना करता है परमेश्वर की। वो सबूत है कि उसने विश्वास की ढाल को अपने आगे रखा है। लेकिन कुछ कुछ विश्वासी हैं, शैतान कोई भी जलते हुए तीर उनके पास भेजेगा, वो उसको नकारते नहीं है, उसको मान लेते हैं, किसी के भी मुंह से कुछ भी चीज वो सुन लेते हैं। वो भले न्यूज से हो, किसी भी व्यक्ति से हो, किसी भी भाई से हो, किसी भी बहन से हो, किसी भी दोस्त से हो, वकील से हो, डॉक्टर से हो, किसी से भी हो, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो सीधा एक्सेप्ट, उसने बोला है तो वैसा ही है। वो उसको रिफ्यूज नहीं करते हैं, वो उसको नकारते नहीं है। जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है उसे वो नकारते नहीं है, क्योंकि वो क्षमता नहीं है, क्योंकि विश्वास आगे नहीं है, उसे मान लेते हैं और दुखी हो जाते हैं फिर, और उसको वचन के साथ उसका सामना नहीं करते हैं जैसा करना चाहिए। और वही उसने कहा कि विश्वास को आगे रखो, विश्वास को पीछे मत रखो, विश्वास को फ्रिज के अंदर फ्रीजर में मत रखो। प्रेज गॉड, विश्वास को आगे रखो, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। और उसका मतलब ये नहीं है कि हम एरोगेंट हैं, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। विश्वासी लोग प्रेम में चलने वाले लोग हैं, दे आर लव पीपल। प्रेज गॉड, लेकिन वो दूसरा टॉपिक है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि विश्वास का ढाल आगे होना चाहिए, आगे, इट मस्ट बी इन फ्रंट। उसका मतलब है नकारने की क्षमता।
इनकार करने की क्षमता। आपने ऐसा कुछ सुना जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, आपने वेरी रिस्पेक्टफुली आपने उसे नकार दिया, आई डोंट एक्सेप्ट इट, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। कितने विश्वासी हैं? आप सोचिए, कुछ भी नकारात्मक चीजों को सुनेंगे उसको नकारेंगे नहीं, उसे एक बच्चे की तरह खा जाएंगे। वो बोला हाँ, उसने बोला है ये ऐसा है, कोरोना आ रहा है, ये लेना होगा, वो देना होगा, हाँ तो इसे करना होगा, अभी क्या कर सकते हैं। कितना अच्छा विश्वासी है, अभी समय नहीं अच्छा विश्वासी होना, अभी समय है हमें दृढ़ होना है। वी मस्ट बी मैच्योर क्रिश्चियंस, प्रेज गॉड। तो जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि विश्वास की ढाल को आगे रखो, उसका मतलब है नकारने की, जो शैतान जलते हुए तीरों को भेजता है उसे नकारने की क्षमता, मतलब उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब वो दे रहा है आप उसको लेंगे नहीं, आप बोल रहे नहीं चाहिए मुझे। और दूसरा है उसे विरोध, मतलब एक तो आप ले नहीं रहे हैं, दूसरा आप उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, उसको विरोध कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के साथ, वो है विश्वास की ढाल होना। जितने लोगों ने विश्वास की ढाल को अपने आगे पकड़ा हुआ है, वे सब के सब शैतान के जलते हुए तीरों को स्वीकार नहीं करेंगे। एक तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरा वो उसे परमेश्वर के वचन के साथ उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। प्रेज गॉड, वो सबूत है कि इन लोगों ने विश्वास की ढाल को अपने आगे रखा है। प्रेज गॉड, आमेन। एक और बार इसको पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, गिव यू सम एग्जांपल्स। In this context, it is the ability to refuse the fiery arrows of the wicked one and resist it with the word of God. इस संदर्भ में ये दुष्ट के जलते तीरों को नकारने और परमेश्वर के वचन के साथ विरोध करने की क्षमता है। Praise God. Okay? इस वचन को देखिए, पहला पत्रस 5 उसके 8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी सोए नहीं, रात पूरा उठ के बैठे और फिर काम में जाके आप सो रहे हैं, उसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब है आत्मिक सचेतता, आत्मिक जागना, आत्मिक क्षेत्र में अलर्ट होना, वो उसका मतलब है। हथियारों को लेकर अलर्ट होना, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अभी आपको पता है कि क्यों पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बोल रहा है कि विश्वास की ढाल को आगे रखो। क्यों रखो? अगर नहीं रखोगे तो वो फाड़ देगा आपको। प्रेज गॉड, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल से विश्वास में हैं या कहाँ का सर्टिफिकेट है आपके पास, ये सब उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट इवन मैटर टू हिम। विश्वासी का बहुत बड़ा टाइटल आप लेके घूम रहे हैं, इट डजंट इवन मैटर। या फिर आप कौन से चर्च में जाते हैं, इट्स नॉट, ये सब बातें इररिलेवेंट है स्पिरिचुअल बैटल में। स्पिरिचुअल बैटल में जब आत्मिक युद्ध होता है, प्रकाशन इज इंपॉर्टेंट, रेवलेशन डोमिनेट्स। प्रेज गॉड, उसमें लिखा है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले से, मतलब उसका गरजना वो है जलते हुए तीर, उसका बोली जो वो बोलता है वो है जलते हुए तीर। मतलब मैंने कुछ लिखा है, आपको बताना चाहता हूँ कि वो जलते हुए तीर क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हम जानते हैं कि वो जलते हुए तीर उसका गरजना है, जो उसके मुंह से निकलता है वो है जलते हुए तीर, और वो है उसके झूठ। प्रेज गॉड, अपने अपने झूठ को वो बोलता रहता है, अपने मुंह से झूठ को आजाद करते रहते, उसकी धमकियां आपको बोलता है कि आप बिल्कुल नहीं जिएंगे, आपके साथ तो कभी नहीं होगा, मैं मार दूंगा आपको, अपने धमकियों को देता है वो, उसका दोष लगाना, क्यों आपको बताता है कि वो आपको बोलता है कि क्यों आप इतने बेकार व्यक्ति हैं और क्यों प्रभु आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, आपके ऊपर दोष लगाता है, इल्जाम लगाता है। लेकिन ये सब देखिए शब्दों से बाहर हो रहा है, क्योंकि वो गरजने वाला व्यक्ति है और वो उसके मुंह से वो जलते हुए तीर आजाद होते हैं, जो उसके झूठ हैं, उसकी धमकियां हैं, उसका दोष लगाना है, उसके प्रलोभन है। और एक बहुत बड़ा चीज जो उसके मुंह से निकलता है वो है ऑफेंस, ठोकर दिलाना, देखो इसने आपसे बात नहीं किया, मत देखना उसकी तरफ, ये ऐसा किया, उसको ये मत कर, ठोकर ऑफेंस दिलाना, ताकि एक व्यक्ति इतना ऑफेंडेड हो जाए
और जब एक व्यक्ति ऑफेंडेड है उसका विश्वास काम नहीं कर सकता, और अगर आपका विश्वास काम नहीं कर सकता आप परमेश्वर के राज में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के राज में विश्वास के साथ चलता है। तो ऑफेंस बहुत बड़ा हथियार है शैतान का, प्रेज गॉड। मतलब मुंह से वो बार बार दूसरों की गलतियों को बार बार वो याद दिलाता रहता है, क्यों? ताकि आपका व्यवहार उन व्यक्तियों के प्रति सही ना हो, और कभी भी आप प्रेम से अगर बाहर निकल गए तो आपका भविष्य खतरे में है, प्रेज गॉड। और दूसरा है धोखा, और ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे कहा, इसको वापस देखिए, झूठ, धमकी, दोष लगाना, प्रलोभन, ठोकर का कारण बनना और धोखा। ये सब चीजें हैं जो वो बार बार अपने मुंह से आपके ऊपर आजाद करते रहता है। पर इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ से बोलता है कि इस गरजने वाले व्यक्ति को, और जो ये गरज रहा है, जो इसके मुंह से जलते हुए तीर निकल रहे हैं, विश्वास की ढाल को आगे रखो ताकि इसके सारे तीर को तुम बुझा सको। प्रेज गॉड। उसका मतलब है कि उसको स्वीकार मत करना, उसको नकारना, और वो जब आएंगे उसको केवल आप नकार नहीं रहे, परमेश्वर का वचन लेकर आप उसके ऊपर चल रहे हैं। आप सोचिए, प्रेज गॉड। ओके, नाउ उदाहरण देखिए, एग्जांपल, मत्ती 4 उसके 2 में लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, बिना खाने के रहा, अंत में उसे भूख लगी। आई थिंक इट्स वेरी पावरफुल। एक व्यक्ति 40 दिन 40 रात से कुछ खाया नहीं है, और एक समय के बाद जब आपको भूख लगता है तो भूख, इट इज मतलब बहुत ज्यादा आप भूखे हैं, ओके, और ऐसे समय में शैतान उसके पास आता है, सच में वो एक सांप है, और ऐसे समय में वो यीशु मसीह के पास आता है जब वो 40 दिन के बाद भूखा है। ओके, वर्स नंबर 3, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर, कहा, देखिए वो तीरों को कैसा आजाद करता है, कहा, वो कहेगा, नहीं तो उसके कुछ लोग कहेंगे या कोई ना कोई आजू बाजू में कहेंगे, वहीकल कोई भी हो, जब शब्द आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो शब्द कहाँ से आए हैं। प्रेज गॉड। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, शैतान ने यीशु से कहा, तीरों को आजाद किया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई बिलीव विल हेल्प यू। आदम का पहला परीक्षा परखना शैतान ने खाने से किया, यीशु मसीह का पहला परखना शैतान ने खाने से किया। आदम का परखना एक फल से हुआ, शैतान यीशु मसीह का परखना रोटियों से हुआ। खाने के ऊपर प्रभुता करना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोमिनेट फूड। प्रेज गॉड। खाना हमको न चलाए, हमें खाने के ऊपर प्रभुता लेना बहुत जरूरी है। पहला प्रलोभन टेम्पटेशन आदम का फल के साथ हुआ, पहला प्रलोभन परीक्षा परखना यीशु का रोटी के साथ हुआ, दैट्स द फर्स्ट लेवल, जिसका मतलब एक्चुअली खाना भी नहीं है, इसका मतलब है सांसारिक चीजें। प्रेज गॉड। सांसारिक चीजें, उसके ऊपर हमें आना ही होगा, वी हैव टू कम अप, नहीं तो फंस जाएंगे, फर्स्ट लेवल में ही गिर जाएंगे हम लोग। प्रेज गॉड। ओके, तो परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आपको भूख लग रही है, आपको रोटी चाहिए, पत्थर को बदल दीजिए रोटी में। कितना सेंसिबल और कितना समझदार बात लगता है। वर्स नंबर 4, तब उसने यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया, उसके जलते हुए तीर यीशु के पास आए, और यीशु के, देखिए यीशु के सामने, उसका विश्वास फ्रिज में नहीं है, उसका विश्वास का ढाल उसके सामने है। उसने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब बुझा दिया, वो तीर को बुझा दिया यीशु ने, ग्लोरी टू गॉड, तीर को, यही आदम को करना चाहिए था। आदम को जो परमेश्वर ने वचन दिया था उसी वचन को लेकर खड़े रहना था, विश्वास को आगे रखना था,
प्रेज गॉड। लेकिन आदम के लिए उसने परमेश्वर को, एक्चुअली ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान से सुनिए। आदम के जीवन में जब उसकी पत्नी आई, वो पत्नी के विषय में इतना, वो पत्नी के साथ, पत्नी के, एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि वो पत्नी की आराधना करने लगा, बिगन टू वर्शिप ईव, क्योंकि हवा इतनी खूबसूरत थी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि वो परमेश्वर से ज्यादा अपने पत्नी के साथ समय बिताता था, इसलिए उसने अपने पत्नी की बातों को सुन लिया। अभी ऐसा नहीं है कि पत्नी और पति के साथ समय नहीं बिताना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप यीशु का जगह देंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। प्रेज गॉड। यीशु यीशु है, पति पति है, पत्नी पत्नी है। प्रेज गॉड। तो उसने उत्तर दिया, आप देखिए उसने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। उसी समय वापस बात किया। ओ आई लव इट। शैतान ने उसे कुछ बोला, कुछ जलते हुए तीरों को भेजा। यीशु मसीह ने पहली बात उसको स्वीकार नहीं किया, दूसरी बात वापस उसका विरोध किया परमेश्वर का वचन बोलकर। वो है विश्वास की ढाल लेकर खड़े रहो। प्रेज। और एक व्यक्ति सोचिए, इसका पेट भरा हुआ नहीं है, ये एकदम आराम में नहीं है, बहामास में छुट्टियां नहीं मना रहा है, ये किसी जंगल में है, 40 दिन 40 रात इन्होंने खाना नहीं खाया है, भूखा है, और ऐसे परिस्थिति में अगर कोई वचन बोलता है तो सच में वो व्यक्ति वचन से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। वो 40 रात दिन से भूखा है फ्रेंड्स। प्रेज गॉड। क्या यीशु मसीह क्या वचन से भरे हुए होंगे। इट्स ऑसम। ग्लोरी टू गॉड। और मैंने आपसे कहा विश्वास की ढाल ले लो का मतलब दो है, उन जलते हुए तीरों को नकारने की क्षमता और उन जलते हुए तीरों का विरोध करने की क्षमता परमेश्वर के वचन के साथ। वो है विश्वास की ढाल को आग। अगर कोई भी विश्वासी ये नहीं कर पाता है, मतलब उसने विश्वास को अपने सामने रखा नहीं है। प्रेज गॉड। और वो बहुत बड़ी तकलीफ में है वो विश्वासी। अभी अभी दाऊद के जीवन से देखिए, पहला शमूएल 17 उसका 23। वो उनके साथ बातें कर ही रहा था दाऊद कि फिलिस्तियों की पांतियों में वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम एक फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। दिस इज द फर्स्ट टाइम डेविड हर्ड। इसराइल में जितने सिपाही थे वे लोग सब ने बार बार दाऊद की बातों को सुना, लेकिन दाऊद अभी पहली बार, फर्स्ट टाइम वो सुन रहा है गोलियत की बातें। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके आगे बढ़ेंगे 24। और उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत, ये परमेश्वर के लोग हैं, दीज आर द पीपल ऑफ गॉड, व्हाट अ शेम। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत, थोड़ा नहीं, अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। दाऊद देख रहा है कि एक फिलिस्ती जलते हुए तीरों को भेजता है और मेरे भाई बहन, मेरे भाई सिपाही लोग इसको देखते हैं और सब भाग रहे हैं। दाऊद सोच रहा है क्या चल रहा है। और देखिए तब दाऊद ने कुछ कहा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि विश्वास की ढाल का मतलब एक तो आप नकारते हैं, उसके जलते हुए तीरों को नकारते हैं, फिर आप चढ़ते हैं, आप विरोध करते हैं परमेश्वर का वचन लेकर। प्रेज गॉड। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो उस फिलिस्ती को मारे, देखिए उसके मन में पहले से उसने फिलिस्ती को मार दिया है, 17 साल का लड़का है, 17 ईयर्स, लेकिन विश्वास की ढाल आगे है, मतलब उम्र से नहीं चलता चीजें। प्रेज गॉड। भूख से होता है सब कुछ, इट डजंट वर्क बाय एज, इट वर्क्स बाय हंगर। ग्लोरी टू गॉड। जब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस फिलिस्ती को मारे, यहां पर पूरा इजरायली उसको देखकर अत्यंत भय, ये 17 साल का लड़का बोल रहा है इसको मारना है मुझे, जो उस फिलिस्ती को मारे, मार के इजरायली की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। देखिए वो कितना आगे पहुंच गया है। वो खतना रहित फिलिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। क्या आप इसके शब्द को देख रहे हैं। ओ माय गुडनेस। 17 साल का लड़का उसके, मतलब आप सोचिए कि पूरा इजरायली सेना अत्यंत भय कर भाग रहा है, उसी परेशानी को देख के एक 17 साल का लड़का बोलता है कि ये है कौन, ये व्यक्ति, इसको मारेगा तो क्या मिलेगा हमको। प्रेज गॉड। अमेजिंग अमेजिंग।
नाउ वर्स नंबर 32, वही चीज देखिए दाऊद शाऊल राजा के सामने भी बोल रहा है। जब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, सब अत्यंत भयभीत है, शाऊल तक भयभीत है, और वो शाऊल के सामने जाकर बोल रहा है, कोई भी मत डरे, तेरा दास जाकर इस फिलिस्ती से लड़ेगा। प्रेज गॉड, तेरा दास जाकर इस फिलिस्ती से लड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि दाऊद और गोलियत के बीच में बातचीत, क्योंकि वी हैव लेस टाइम। ओके, नाउ 43 में देखिए, पहला सैमुएल 17 उसका 43। तब फिलिस्ती गोलियत ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। एक चीज जो लोग विश्वास को अपना ढाल बनाकर रखते हैं, वे लोग शैतान के जलते हुए तीरों के सामने चुप नहीं बैठते हैं। दे नेवर क्वाइट, वो वापस बोलेंगे। वो विश्वास जो उनके अंदर है वो उनसे बुलवाएगा, यहाँ पर देखिए गोलियत जो शैतान को दर्शाता है, दाऊद जो विश्वासी को दर्शाता है, देखिए शैतान क्या बोल रहा है। और अभी दाऊद का उत्तर सुनिए। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम नकारते हैं और फिर हम विरोध करते हैं परमेश्वर के वचन के साथ। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति एक विश्वासी है जिसने अपने विश्वास को ढाल बनाकर अपने सामने रखा है। और ये सिर्फ दाऊद के लिए नहीं है, दाऊद ने किया, यीशु ने किया, नहीं, ये सिर्फ दाऊद और यीशु मसीह के लिए नहीं है, ये हर एक उस विश्वासी के लिए है जो जानता है कि विश्वास को आगे कैसे रखते हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि अगर आपने भी विश्वास को अपना ढाल बनाकर आपने आगे रखा है, जो विश्वास आपके अंदर है वो शांत नहीं बैठ सकता। जब हमें सुनाया गया कि कोरोना आ रहा है, बहुतों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जिन्होंने विश्वास को ढाल बनाकर अपने आगे रखा है, उन्होंने उसी टाइम मुंह खोल के बोला कि इस घर में आएगा नहीं ये चीज। प्रेज गॉड, क्योंकि वो विश्वास जो आपके अंदर है वो शांत नहीं बैठेगा, इट विल रिस्पॉन्ड। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 3, इन ऑर्डर टू हैव फेथ इन फ्रंट ऑफ यू, यू मस्ट डू टू थिंग्स जो इजरायली सेना ने नहीं किया। इन ऑर्डर टू हैव फेथ इन फ्रंट ऑफ यू एज अ शील्ड, यू मस्ट फीड इट डेली विद द वर्ड एंड हैव डेली फेलोशिप विद द लॉर्ड। आपके सामने विश्वास रखने के लिए, क्योंकि लेना आपका चुनाव है, आप चुनाव कर सकते हैं कि मैं विश्वास की ढाल नहीं लूंगा, और वो आपका चुनाव है, और कोई विश्वासी चुनाव कर सकता है कि मैं विश्वास का ढाल लूंगा, मैं उसे अपने जीवन के आगे रखूंगा, जहां पर भी जाऊं मैं विश्वास की ढाल को आगे रखूंगा। कैसे होगा वो? वो होगा प्रतिदिन विश्वास को वचन के साथ आपको खिलाना है, एवरी डे, साल में दो बार नहीं, क्रिसमस साल में एक बार आता है, कुछ लोग अपने विश्वास को साल में एक ही बार खिलाते हैं, एंड दैट इज वेरी टफ लाइफ। आपके सामने विश्वास रखने के लिए आपको इसे प्रतिदिन वचन के साथ खिलाना चाहिए, और प्रभु के साथ प्रतिदिन संगति करनी चाहिए, एवरी डे प्रभु के साथ आपको बैठना है, एवरी डे यू मस्ट सिट विद द, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास है उस व्यक्ति के साथ जरा बैठिए, उसको जानिए। मेरे लिए बहुत आसान होगा इस एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने के लिए जिसको मैं जानता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं उस पर विश्वास करना मुझे थोड़ा कठिन है। बाहर मैं जाता हूं, एक नए व्यक्ति को मिलता हूं, और नए व्यक्ति सोचिए बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने कर रहा है, मैं ये कर दूंगा आपके लिए, मैं वो कर दूंगा आपके लिए, मैं बोल रहा कि यार मैं आपको जानते ही नहीं, आप कौन है? जब हम किसी को जानते नहीं है तो उस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। इसीलिए हमें हर दिन प्रभु के वचन में समय बिताना है और अपने विश्वास को खिलाना है, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना है, उसके साथ संगति करना है। अगर आप ये हर दिन करेंगे, सुनिए, अगर आप ये हर दिन करेंगे, कुछ कुछ चीजें हैं आप हर दिन करते हैं, यू डू इट एवरी, हर दिन आप ब्रश करते हैं, हर दिन आप नहाते हैं,
हर दिन आप खाना खाते हैं, हर दिन आप सोते हैं, आप ये नहीं बोलते हैं कि पिछला मंडे को मैं सोया था, आज से सोना बंद, नहीं, हर दिन आप सोते हैं, हर दिन आप खाना खाते हैं, हर दिन आप ब्रश करते हैं, हर दिन आप नहाते हैं, कुछ चीजें हर दिन आप करते हैं, ये चीजें हर दिन एक विश्वासी को करना होगा, करना ही है, क्योंकि एक दुश्मन है आपका जो सोता नहीं है, वो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो आपको फाड़ खाना चाहता है, और उसके जलते हुए तीर हमेशा तैयार हैं, और उन तीरों से बचने के लिए, उन तीरों को बुझाने के लिए विश्वास की ढाल को आपको आगे रखना होगा, और विश्वास की ढाल को आगे रखने के लिए आपको अपने विश्वास को हर दिन परमेश्वर के वचन से खिलाना होगा, ताकि आपको प्रकाशन मिले और वो प्रकाशन आपके विश्वास को खिलाए, और जिस व्यक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसके घुटनों के, उसके पैरों के सामने बैठकर उसके उससे एक रिश्ता बनाइए। प्रेज गॉड, जितना अधिक मैं अपने पत्नी को जान रहा हूं उतना ज्यादा मेरा भरोसा मेरी पत्नी पर बढ़ रहा है, जितना ज्यादा मेरी पत्नी मुझे जान रही है, हर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम एक दूसरे को जान रहे हैं, समय बिता रहे हैं, हमारा विश्वास एक दूसरे के ऊपर और मजबूत हो रहा है। जैसे मैं यीशु के वचन में समय बिताता हूँ, हर दिन खाना नहीं खाएगा ठीक है, वचन पढ़ो, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा सो जाओ, लेट होने के बाद सो जाओ, लेकिन वचन पढ़ो, स्टडी द वर्ड, ग्लोरी टू गॉड। थोड़ा जल्दी उठना पड़े तो उठ जाइए, वचन पर मनन करिए, वो खाना है, इट इज फूड, और अपने विश्वास को खिलाइए, वचन पर मनन करिए तो प्रकाशन मिलेगा, और प्रकाशन आपके विश्वास को खिलाएगा। जब परमेश्वर मुझसे बात करता है मेरा विश्वास खाता है, जब परमेश्वर मुझसे बात करता है मेरा विश्वास पोषित हो जाता है, और जिस व्यक्ति पर मेरा विश्वास है मैं उसके साथ हर दिन बैठता हूँ, और अगर आप ये दो चीज करते हैं तो आपका विश्वास ढाल के समान आपके आगे है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका विश्वास आगे नहीं है और आप खतरनाक जगह पर हैं। प्रेज गॉड, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब आप हर दिन, इसको ध्यान से सुनिए, जब आप हर दिन अपने विश्वास को खिला रहे, मतलब आपने वो स्केड्यूल बना दिया है, आपके लाइफ का प्लानिंग वैसा है कि हर दिन मुझे प्रचार को सुनना है, दो चैप्टर को मुझे पढ़ना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, बाकी का बाद में देखेंगे, और हर दिन मुझे प्रभु के साथ बैठना है, ये आप हर दिन कर रहे हैं, हर दिन, एवरी डे, मतलब आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं, फिर एक दिन अचानक जब गोलियात आ जाए, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपने उस विश्वास को इतना खिलाया है, आपने प्रभु के साथ ऐसा, आपके अंदर का विश्वास गरजेगा। इसीलिए देखिए, दाऊद ने जब पहली बार सुना, उसके मुंह से निकल गया कि ये कौन है खतना रहित फलिश्ती, यीशु मसीह भूखा है 40 दिन 40 रात, उसने शैतान की आवाज को सुना, उसका विश्वास गरजा, लेट द फेथ रोर, आपके अंदर का विश्वास रोर करें, और हर दिन उसे खिलाते, जब समय है रोर करने का आपका विश्वास रोर करेगा, लेकिन विश्वास को खिलाया नहीं है, विश्वास को जिस पर विश्वास है उसके साथ बैठा नहीं है, कितना भी आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करने का कोशिश करें, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि आप कर नहीं पा रहे हैं, आप उस चट्टान को देखकर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, गोलियत को देख के कुछ आपके मुंह से निकल नहीं रहा है, एक और बहुत से विश्वासी हैं वैसे, वो सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो नकार नहीं पा रहे हैं, जो भी दिया जा रहा है सब खा रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं सब कुछ, वहीं पर दूसरे विश्वासी हैं। हर दिन, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एवरी डे, एक 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 बूंद से बाल्टी भरना शुरू होता है, और एक बूंद से बाल्टी ओवरफ्लो होता है, हर एक दिन महत्वपूर्ण है, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। कल आप क्या करेंगे छोड़ दीजिए, आज का कोटा पूरा कर दीजिए वचन का, और परमेश्वर के साथ बैठेंगे, प्रभु आज नहीं, मैं तो न्यू ईयर से चालू करूंगा, पक्का 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 पक्का, ये 2022 के न्यू ईयर में भी बोला था प्रभु पक्का, फिर अभी 2022 का दिसंबर हुआ, प्रभु अभी हम 2023 से तो पक्का करेंगे, फिर 2023 नहीं, डू टूडे, लीव टुमोरो, छोड़ दीजिए कल का, आज का कोटा पूरा कीजिए, फोकस ऑन टूडे, प्रेज गॉड, आज का देखिए, और अपने आज का कोटा जो है वचन का, उसको सुनिए, वचन पर मनन कीजिए, और आपका विश्वास हर दिन खाएगा, और जब भी कोई जलता हुआ तीर शैतान आपके पास भेजे, आपको बोलना नहीं होगा, आपके अंदर का विश्वास गरजेगा। ओह ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ओके, नाउ
आपको कुछ मैं वचन बताना चाहता हूँ, बट आई डू इट अ लिटिल क्विकली। यीशु मसीह ने लूका 20, ठीक है हम इसको बाद में देखेंगे, लेट्स सी दिस। देखिए दाऊद ने दो वचन, मैं आपको बताना चाहता था कि यीशु मसीह वचन पर मनन करने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति थे, नहीं तो उसके बगैर आप शैतान के सामने आपका मुंह नहीं खुलेगा। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप उसके वचन में, जैसे दाऊद ने कहा भजन संहिता 1:2 में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। 17 साल का लड़का, आत्मिक क्षेत्र में उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपके डिसीजंस, आपके भूख, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। दूसरा वचन भजन संहिता 27:4, दाऊद बोलता है, एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर, सिर्फ संडे को नहीं, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिसे यहोवा की मनोरथों पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। वचन में रहने वाला व्यक्ति, विश्वास को खिलाने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, जिस पर विश्वास करता है उसके उसके चरणों में उसको पहचानने वाला व्यक्ति, वो ही लोग हैं जो गोलियात के सामने मुंह खोलेंगे। सब नहीं खोल पाएंगे, गोलियात के सामने, कोरोना के सामने, शैतान के सामने, जलते हुए तीरों के सामने वही लोग हैं मुंह खोल पाएंगे, वचन को बोल पाएंगे, जो उसके वचन में डूबे हुए हैं, उसकी उपस्थिति से उनको एक लगाव है, वही लोग कर पाएंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हर एक विश्वासी ये फैसला करें कि उसके वचन में मैं डूबना चाहता हूं और उसके ऊपर हर दिन, आज का कोटा, फोकस ऑन टुडे, टुडे प्रेज़ कल का दिन कल देखेंगे, आज का वचन पढ़ना, आज का प्रचार सुनना, आज के उपस्थिति में बैठना, इसको हर दिन धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब भी जलता हुआ तीर आपके खिलाफ आए, आप खुद दाऊद की तरह बोलेंगे, आपका विश्वास आपके अंदर से बातें करेगा। प्रेज़ गॉड। ओके, फाइनली नंबर 4, any believer who doesn't take the shield of faith becomes an easy target for the devil. He will steal, kill and destroy. कोई भी विश्वासी, कोई भी कहां पर भी हो, कोई भी विश्वासी जो विश्वास की ढाल को नहीं लेता या अपने सामने नहीं रखता, वो कोई भी हो, कहां पर भी हो, वो शैतान के लिए एक आसान निशाना बन जाता है। वो चोरी, शैतान चोरी करेगा, वो मारेगा, वो नष्ट करेगा, वो फाड़ खाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है या कहाँ से आए हैं या कितने साल से भी, वो सब मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सब इररिलेवेंट है, वो सब आत्मिक क्षेत्र में कोई मायने नहीं रखता। आपका और मेरा नाम क्या है, हमारा टाइटल, ये सब सवाल ये है, विश्वास आगे है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप खतरनाक जगह पर हैं। प्रेज़ गॉड। तो मैं क्या करूं? वचन को खाइए, उसकी उपस्थिति से प्रेम करिए, विश्वास बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ेगा, आप देखेंगे कि जैसे लोगों के मुंह से निकलता है कैसे होगा, आपके मुंह से निकलेगा, मेरा यहोवा करेगा। मतलब वो आपके अंदर आपका विश्वास चिल्ला उठ रहा है, आपका विश्वास गरज रहा है। शैतान आपके, शैतान गरजने वाले सिंह के समान आपके ऊपर गरज रहा है, आपका विश्वास गरज रहा है। प्रेज गॉड। और विश्वास की आवाज गोलियात की मुख बंद कर देगी। आमीन। सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, जैसे मैं खत्म कर रहा हूं अभी, कि वचन में डूब जाइए सर, वचन में आप डूब जाइए, उसकी उपस्थिति में बैठिए, क्योंकि उस व्यक्ति पर आप विश्वास करते हैं तो उसको जानिए, उसके साथ समय बिताइए, उसकी आराधना करिए, ताकि जिस पर आप विश्वास करते हैं उसको पहचाने तो सही, क्योंकि अगर आप उसे पहचानते नहीं तो उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास को ढाल के समान अपने आगे हम रखते हैं, हमारा भरोसा आपके ऊपर है। वचन का प्रकाशन हर दिन आप हमें दीजिए, ताकि हमारा विश्वास खाए, और हर दिन आपकी उपस्थिति में हम में से हर एक व्यक्ति बैठे, ताकि हम आपको और अच्छे रीति से पहचान सके।
शैतान का कोई भी जलता हुआ तीर हमारे खिलाफ या इस कलीसिया के खिलाफ कभी भी सफल नहीं होगा। हम सिर्फ ऊपर और आगे जाएंगे प्रभु। जितने लोग जुड़े हैं सबको आप आशीष के ऊंचे आयाम पर लेकर चलिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे। हम फ्राइडे को फेथ स्कूल के लिए मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू।